तो कैसे हो आप सब? तो चलिए आज मैं आपको एक नई डिश बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनती है। वो है कच्चे केलों की सब्जी। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया और कैसे वो सब्जी बनेगी। यहाँ पे 4 केले लिए थे, ये 4 केले काट लिए हैं और इनमें 2-3 आलू भी डाल लिए। आलू और केले की सब्जी बन जाएगी वैसे तो, पर आलू तो ज्यादा नहीं है इसमें। और मेरे पास टमाटर, 2 टमाटर नहीं थे, एक ही टमाटर टमाटर था। आप 2 टमाटर ले सकते हैं और 3 प्याज ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिए है क्योंकि 1 टमाटर कम है, और 1 टमाटर लिया है। और ये 2 लाल मिर्च हैं, और ये लाल मिर्च दूसरी लूंगी तो खराब हो रखी है। 2 हरी मिर्च है, और ये लहसुन लिया मैंने, 8-9 कलियां बन जाएगी लहसुन की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा बॉईल करूंगी इसमें डाल के, प्याज को और टमाटर को। ये हरी मिर्च है, हरी नहीं, ये रेड मिर्च है, तो मैंने डाल दी है ये 2 लाल मिर्च, प्याज। इनके साथ मैं 10 मिनट बॉईल करूंगी इसको। तो आप चाहे तो खुला भी 10 मिनट बॉईल कर सकते हैं, या फिर आप इस पे लीड रख सकते हैं, यानी कि आप ढक्कन रख सकते हैं। ढक्कन रख के भी आप इसको 10 मिनट के लिए बॉईल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस पे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इससे टमाटर और मिर्चे और ये प्याज बाहर निकालूंगी। ओहो, मेरा बच्चा रोने लगता है। आ रही हूँ बेटा। मैंने सारी चीजें बाहर निकाल ली हैं, ठंडे प्याज, टमाटर और ये मिर्च, और ये मैं अलग बर्तन में डाल रही हूँ ताकि इनका पानी निकल जाए, और इसको इस और इनका मैं मिक्सी में पेस्ट बना लूंगी। तो मैं कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है एकदम। अब मैं डालूंगी इसमें बाकी मसाले। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच है ये राई का, इसमें डाल दूंगी मैं राई। राई मैं टेस्ट के लिए डालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे राई सब्जी में डाल के खाना। हमारा ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है ना, मैं पेस्ट डाल देती हूँ इसमें। तो मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है, और अब जो थोड़ा सा इसमें मिक्सी में जार में रह जाता है, तो मैंने पानी डाल दिया इसमें। तो मैं पानी डाल के इसे थोड़ा सा पका दूंगी, और फिर डालूंगी इसमें बाकी के मसाले। अभी मैंने लो फ्लेम किया हुआ था, मैं हाई फ्लेम कर लेती हूँ। हमारी जो प्यूरी है वो अभी पकने लग रही है, देखो। जब तक इसके ऊपर ऑयल रिलीज नहीं होगा तब तक हम इसमें बाकी मसाले नहीं डालेंगे। ये पक चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टीस्पून धनिया, धनिया पाउडर, 1½ हल्दी पाउडर, ये डालूंगी मैं कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर में कलर चेंज हो जाता है। और अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च, ये 2 मिर्च मैंने काटी। अब मैं इसमें डालूंगी 1½ जीरा पाउडर, ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और नमक आप इसमें स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको खाना है। यहाँ पे इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे क्या होता है स्वाद चेंज हो जाता है आपके खाने का। है डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। और अब हम इसको पकाएंगे, जब ये खूब पक जाए तब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पूरी है वो देखो ठीक हो चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब केले बॉईल कर चुकी हूँ मैं, जब वो डालूंगी तो वो फूट जाएंगे, तो और केले बहुत ज़्यादा पानी सोखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी सोख लेते हैं। पानी डाल के इसको पकाना है। तो ये पक चुकी है ग्रेवी हमारी, अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल किए हुए केले। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं बॉईल किए हुए केले, तो अभी थोड़ा सा इसको पकने देते हैं।
मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। मैं खा रही हूँ रोटी की लस्सी, लस्सी के साथ रोटी और सब्जी। तो आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और आप भी ट्राई करना घर पे केले की सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी ज़रूर बनाना। थैंक यू दोस्तों।